आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छी होंगी। इस ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है दोस्तों। अभी मैं हूँ कोलकाता पे, आज मैं जा रहा हूँ आप लोगों को कालीघाट मंदिर लेकर, जो कोलकाता का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है और वेस्टर्न इंडिया में सबसे प्रसिद्ध मंदिर भी है। अभी सुबह के 5 बजे दोस्तों, और आप लोगों को ले चलते हैं मंदिर। आज वैसे यहाँ पे एक अच्छा फेस्टिवल भी होता है, कौशिकी अमावस्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, तो इस दिन बहुत अच्छे तरीके से पूजा वगैरह होता है, बहुत कोई आते हैं मंदिर। तो वैसे हमारे घर से तो हर वीक सब कोई जाता है, बट आज हम लोग जा रहे हैं, बहुत दिन बाद हम जा रहे हैं, लगभग 6 महीना हो गया हम नहीं गए थे। हम भी जाते हैं और आप लोग को भी दिखाते जाकर। मेरे घर से वैसे 4 किलोमीटर ही है मंदिर। अभी हम और मेरी माता जी जा रहे हैं साथ में, जाकर फिर आप लोगों को दिखाते हैं दोस्तों मंदिर के उधर, ठीक है। अपने घर के नीचे से तो दोस्तों हम लोगों ने ऑटो लेके आ गया है अभी हाजरा मोड़। ये है दोस्तों हाजरा मोड़, इस इलाके को बोलते हैं। आप लोग अगर कभी भी कोलकाता को एंटर करते हो हावड़ा स्टेशन से, तो वहाँ से बस लेके यहाँ हाजरा मोड़ में उतर के आप आराम से वॉक करके जा सकते हैं, या नहीं तो अगर आप एयरपोर्ट वगैरह से आ रहे हो तो उबर वगैरह ले लीजिएगा, उबर रैपिडो कर लीजिएगा तो सबसे अच्छा रहेगा। तो यहाँ से बस हाजरा मोड़ से 1 किलोमीटर होता है दोस्तों, तो वॉक करके अभी निकल जा रहे हैं, जाकर फिर आप लोगों को मंदिर के सामने दिखाते हैं कैसा है सब कुछ, ठीक है। अभी दोस्तों हम लोग आ चुके हैं कालीघाट मंदिर, सामने में मंदिर स्टार्ट हो जाएगा, मंदिर का परिसर। अभी दोस्तों सबसे पहले चलते हैं हम लोग जहाँ से पूजा की सामग्री लेते हैं, जिस दुकान से, उस दुकान पर चलते हैं, वहाँ जाकर फिर पूजा की सामग्री लेके सबसे पहले पूजा देंगे। पूजा देने के बाद दोस्तों आप लोगों को मंदिर से रिलेटेड कुछ रोचक तथ्य आप लोगों के सामने पेश करेंगे। तो दोस्तों अभी हमने रास्ते में फूल ले लिया है, अभी चलते हैं दोस्तों जाके सामने पूजा की सामग्री लेके, पहले पूजा दिया जाए यहाँ पे। यह है दोस्तों देवी चरण हालदार जो दुकान है दोस्तों, हम लोग यहाँ से पिछले 20 साल से हम लोग यहाँ से पूजा की सामग्री ले रहे हैं। यहाँ के जो एक पुजारी है दोस्तों गोपाल जी, बहुत अच्छे से पूजा कराते हैं हम लोगों को, पिछले 20 साल से हम लोग इधर ही आ रहे हैं। दुर्गा नाम मुखे बोलो एक बार, संगेरो सम्बल दुर्गा नाम आमार। दुर्गा नाम मुखे बोलो एक बार, संगेरो सम्बल दुर्गा नाम आमार। हमने दोस्तों अभी पूजा की सामग्री ले लिया है, अभी चल रहे दोस्तों अभी मंदिर, मंदिर के अंदर जाके पहले पूजा देंगे यहाँ पे। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को कुंड पुखुर यहाँ पे है, जिसको यहाँ पे पवित्र तालाब है, वहाँ से जाके दोस्तों आप लोगों को फिर नज़ारे दिखाएंगे यहाँ पे मंदिर के, ठीक है। तो संसार ना ही पारा पार, सकली असार भेबे देखो ना। दोस्तों हम लोग यहाँ पे अच्छे से पूजा दे दिए दोस्तों मंदिर के अंदर, बहुत अच्छे से रहा। आज बहुत भीड़ भी है कौशिकी अमावस्या के वजह से, तो हो गया दोस्तों फिर भी हम लोगों का दर्शन। यहाँ पे एक्चुअली दोस्तों 2 लाइन लगते हैं, एक होता है जो गर्भगृह के अंदर जाने वाला, और एक होता है दोस्तों जो बाहर से वरांडा से आप लोग देख सकते हैं। तो हम लोग दोस्तों बाहर से देखा, वैसे हम लोग अंदर भी जाते बट आज बहुत भीड़ है तो दोस्तों हम लोग बाहर से देख लिया। ये है दोस्तों मंदिर का पवित्र तालाब, आप लोग दोस्तों यहाँ पर आके हाथ पैर धो सकते हैं दोस्तों। और यहाँ पर एक भोलेनाथ का मूर्ति भी रखा हुआ है दोस्तों, आप लोग पूजा देकर पीछे मंदिर पर पूजा देकर यहाँ पर आके जल भी चढ़ा सकते हैं, गंगा जल। तो ये है दोस्तों, बहुत अच्छा लगा आज का आज सुबह आकर दोस्तों यहाँ पे मंदिर पे। कालीघाट मंदिर की बात की जाए दोस्तों, तो ये मंदिर दोस्तों संतोष रॉय चौधरी जी जो थे यहाँ पे जमींदार राज घराने के जो थे बेहला पे, बारिसा नाम का एक प्लेस है वहाँ के हुआ करते थे वो। उन्होंने दोस्तों 1798 पे इस मंदिर का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया था, फिर 12 साल के अंदर ये मंदिर बन के तैयार हुआ था। तो ये है दोस्तों इस मंदिर का इतिहास। और दोस्तों हिस्टोरिकली अगर देखा जाए तो यहाँ पे इस मंदिर का हम लोग को पता कुमार गुप्ता द्वितीय जो हुआ करते थे गुप्ता पीरियड में, तो उस ज़माने में भी दोस्तों उस ज़माने का यहाँ पे कॉइन्स मिले थे बहुत साल पहले। तो दोस्तों हम लोग उस समय से समझ सकते हैं कि ये प्लेस बहुत ही पुराना है, जब गुप्ता एम्पायर आज से 1500-1600 साल पहले हुआ करता था दोस्तों ईस्टर्न इंडिया में, जब बंग नाम के इस जो प्लेस था इसको जब उन्होंने कैप्चर किया था गुप्ता लोग, तो यहाँ पर गुप्ता पीरियड का कॉइन्स भी मिलते हैं। मतलब जब यहाँ पर जब एक्सकेवेशन हुआ था कभी, तो यहाँ पर कॉइन्स भी मिले थे।
तो उस हिसाब से दोस्तों ये प्लेस बहुत ही पुराना है। मंदिर परिसर में ही दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे मनसा देवी जी का मंदिर भी दिख जाएगा और यहाँ पे शिव भगवान की भी एक दो मंदिर है। तो दोस्तों आप लोग अंदर पे मंदिर परिसर पे उसे भी दर्शन जरूर करिएगा और कृष्ण जगन्नाथ जी का भी मंदिर है तो आप लोग उसे भी दर्शन करिएगा। दोस्तों अभी हम लोग चल रहे हैं दोस्तों मनसा देवी जी का मंदिर पे जो मंदिर परिसर पे ही है। वैसे दोस्तों यहाँ पे अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है कालीघाट में तो आप लोग देख सकते हैं थोड़ा कन्फ्यूजिंग है सब कुछ। एक्चुअली यहाँ पे एक कॉरिडोर बन रहा है एक, तो बनने के बाद जैसे काशी विश्वनाथ जैसे था पहले अजीब सा लग रहा था, बहुत कंफ्यूजिंग था, बनने के बाद दोस्तों एकदम भव्य हो गया था। तो वैसे ही अभी हमारा कालीघाट भी है दोस्तों, थोड़ा अजीब सा लगेगा देखकर आपको। अभी सब कुछ तैयार हो रहा है बहुत कुछ, तो एक बार जब बन जाएगा दोस्तों तो बहुत ही भव्य लगेगा इधर। काली काली बोल रो सुना, काली काली बोल रो सुना, काली काली बोल रो सुना। मंदिर परिसर में दोस्तों आपको यहाँ पे कृष्ण मंदिर दिखेगा। कृष्ण मंदिर पे अभी हमने दर्शन किया है। आप लोग दोस्तों यहाँ पे माता का मंदिर को दर्शन करने के बाद मनसा जी का मंदिर जरूर जाइएगा। मनसा जी का दर्शन करने के बाद दोस्तों आप लोग कृष्ण मंदिर जाइएगा। इस तरह से दोस्तों मंदिर के अंदर सभी देवी देवताओं का हमारा दर्शन हो चुका है। अभी चलते हैं दोस्तों कालीघाट का जो यहाँ का जो भैरव बोलते हैं ना, हर एक जैसे शक्तिपीठ में एक भैरव होता है वैसे ही दोस्तों कालीघाट का जो भैरव जी है नकुलेश्वर महादेव जी, तो उनके मंदिर आप लोगों को लेकर चलते हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसा कहा जाता है दोस्तों जब जब आप लोग शक्तिपीठ के दर्शन पे जाए तो अगर आप लोग भैरव जी का दर्शन नहीं करेंगे, भैरव जी वहाँ पे महादेव जी के रूप में होते हैं, अगर आपने वहाँ का दर्शन नहीं किया तो दोस्तों आपका दर्शन सफल नहीं होता है। तो वैसे ही दोस्तों यहाँ का शक्तिपीठ में है दोस्तों नकुलेश्वर महादेव जी का मंदिर, तो यहाँ पर दोस्तों अभी हम लोग आए हैं तो यहाँ आकर पहले जाकर दर्शन करेंगे अंदर। अंदर दोस्तों कहीं पर भी मैंने वीडियोग्राफी नहीं किया तो दोस्तों आप लोग से भी रिक्वेस्ट रहेगा मंदिर के अंदर का भी वीडियोग्राफी ना करें, मंदिर के बाहर करिएगा, मंदिर के आसपास जो मतलब परिसर होता है वहाँ करिएगा, मंदिर के अंदर कभी मत करिएगा वीडियो, ठीक, अच्छा नहीं होता। यहाँ पे भी मंदिर चलेंगे अंदर, ठीक है। नकुलेश्वर महादेव जी के मंदिर को दर्शन करने के बाद अब दोस्तों अब वापस घर लौटने की बारी है। अभी जा रहे दोस्तों घर। आज तो दोस्तों समय थोड़ा कम था, फिर किसी दिन और समय निकाल कर दोस्तों आप लोगों को यहाँ का जो दूसरा काली मंदिर है कोलकाता का सबसे प्रसिद्ध दक्षिणेश्वर काली मंदिर, तो वहाँ का ब्लॉग आप लोगों को लाकर दिखाऊंगा। तब तक के लिए दोस्तों आप लोग ख्याल रखिएगा अपना, मिलते हैं दोस्तों अगले ब्लॉग पे आप लोगों से।